हिंदुस्तान में एक वक्त था जब राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था। ये लोग अपनी प्रजा के लिए कोट भी थे और भगवान भी, मगर वक्त के साथ चीजें बदली और आजाद हिंदुस्तान में राजपाट वाला दौर चला गया। मगर आज भी कुछ गिने चुने घराने हैं जिनकी तूती बोलती है। उन्हीं में से एक है ग्वालियर का सिंधिया राजघराना, और इसी घराने से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका मध्य प्रदेश में सिक्का चलता है। उनके एक इशारे पर सरकारें बनती है और ताश के पत्तों की तरह बिखर भी जाती है। और रसूख ऐसा कि जनता आज भी सम्मान में सिर झुकाती है और बड़े बड़े नेता पांव छूते हैं और उन्हें महाराज के नाम से पुकारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास इतनी संपत्ति है कि एक बार के लिए तो अंबानी अडानी जैसे लोग भी सही अमाउंट जानकर ठिठक जाते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो में जानते हैं कि मोदी सरकार में बड़ी हैसियत रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आखिर कितनी संपत्ति है। अभी तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी का दामन थामने से पहले सिंधिया देश की सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस के सबसे युवा और एक कद्दावर नेता थे, और उनका अपना एक अलग ऑरा था और क्षेत्र और लोगों में बड़ी इज्जत थी, जिसका नतीजा साल 2002 की जीत के बाद 2004, 2009 और 2014 में भी देखने को मिला, जब वो प्रचंड जीत के साथ संसद पहुंचे। फलस्वरूप उन्हें 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार में अहम पद भी मिला, लेकिन 2019 में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर बातें होने लगी। कई सालों तक अपनी सेवा देने के बाद पार्टी से मतभेद पड़ने लगे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही गिरवा दी और अपने लोगों के साथ बीजेपी की ओर हो लिए, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। बहरहाल अब ये तो हुई उनके राजनीतिक भविष्य की बात, लेकिन जब बात उनकी संपत्ति को लेकर होती है तो पूछा जाता है कि वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। तो इस सवाल का जवाब एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1957 से लेकर अब तक के चुनावों में सिंधिया खानदान के उम्मीदवारों ने जितनी संपत्ति बताई है वो उस फिगर से काफी कम है, जैसा कि उनकी संपत्ति को लेकर लोगों के बीच एक धारणा है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रात से थोड़ी देर में पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि चुनाव के दौरान दायर किए गए हलफनामे के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कितनी संपत्ति है। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान दायर एफिडेविट की माने तो सिंधिया के पास अरबों की संपत्ति है, मगर उनकी कुछ पुश्तैनी संपत्तियों का मामला कोर्ट में है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40,000 करोड़ यानी 400 अरब रुपए है। खैर, मार्च 2020 में दायर हलफनामे के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया की सालाना कमाई 1,57,48,000 रुपए है, जबकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी 3,68,31,900 रुपए की है। वहीं पैतृक चल संपत्ति 45,24,00,000 रुपए की है। वहीं उनके पास कुल पैतृक अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो कि उन्हें विरासत में मिली है वो 2,97,00,000 रुपए की है। सिंधिया के पास 1,81,00,000 की पैतृक कृषि योग्य की जमीन भी है। राजनीति में आने से पहले एक बैंकर रहे सिंधिया ने अलग अलग बैंकों में काफी जमा पूंजी भी रखी है और उन्होंने 3,02,28,252 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं, जबकि उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे के पास 6,62,492 रुपए हैं। वहीं बेटे महानारायणम सिंधिया के नाम 12,14,422 रुपए और बेटी अनन्या के नाम 2,29,114 रुपए बैंक में रखे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 12,67,05,183 रुपए कीमत का सोना और 16,34,94,692 रुपए की चांदी भी है। ये सोना और चांदी उन्होंने विरासत में मिला हुआ बताया है। वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति और उनकी जीवन शैली सपनों जैसी ही है। वो 400 कमरे वाले शाही महल में रहते हैं। सन 1874 में बनकर तैयार हुए इस राजमहल का नाम जयविलास पैलेस है। इस शाही महल में 40 कमरों में म्यूजियम, जबकि महल की सीलिंग पर सोने जड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ 3500 किलो चांदी का झूमर भी लगा हुआ है। इस भवन की कीमत करीब $200 मिलियन बताई जाती है। सिंधिया का ग्वालियर जयविलास पैलेस 40 एकड़ में फैला हुआ है। इस महल का वैभव पूरे भारत में मशहूर है। इसकी दीवारों पर सोने से पेंट किया गया है। राजसी वैभव से भरे इस महल में भोजन परोसने के लिए डाइनिंग में भी चांदी से बनी ट्रेन चलती है। इसके अलावा सिंधिया के पास कई दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी है। इनमें मुंबई स्थित समुद्र महल, रानी महल, हिरवन कोठी, शांति निकेतन, छोटी विश्रांति, विजय भवन और पिकनिक स्पॉट घंटाघर, रोशनी घर, तबेला जैसी संपत्तियां हैं। मुंबई के समुद्र महल की कीमत ही 31 करोड़ आकी जाती है और रानी महल की कीमत 26 करोड़ रुपए आकी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति के अलावा कारों का भी खूब शौक है। उनके गैराज में करोड़ों रुपए की कीमत की गाड़ियां खड़ी है। रेंज रोवर और टाटा सफारी जैसी दमदार गाड़ी के अलावा एक पैतृक BMW कार भी उनके गैराज की शोभा बढ़ाती है। अब जरा हम आपको उस संपत्ति के बारे में भी बता देते हैं जिसे लेकर परिवार के दूसरे सदस्यों ने कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल सिंधिया परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी को लेकर ये लड़ाई दशकों से चली आ
जा रही है और ये विवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया से चल रहा है। मामला राजमाता की दो वसीयतों में अटका है जिन्हें लेकर कहा जाता है कि राजमाता ने अपनी संपत्ति से बेटे माधवराव सिंधिया और पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेदखल कर दिया था और उन्होंने दो तिहाई संपत्ति अपनी तीनों बेटियों उषा राजे वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के नाम पर दी थी और बाकी एक तिहाई हिस्सा एक ट्रस्ट के जरिए चैरिटी के लिए छोड़ दी थी। लेकिन विवाद बढ़ा तो इस संपत्ति को लेकर पहले माधवराव सिंधिया अपने जीते जी कोर्ट में लड़े और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ये काम कर रहे हैं। वैसे इस मामले को कोर्ट से बाहर भी सुलझाने की कवायद हो चुकी है लेकिन अभी भी इस संपत्ति का ये मामला फंसा हुआ है। हालांकि यहाँ कहा जाता है कि परिवार की संपत्ति पर मुख्य रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे छोटी बुआ यशोधरा राजे ने दावा ठोका है क्योंकि सबसे बड़ी बुआ उषा राजे नेपाल के एक राजघराने में शादी के बाद वहीं बस गई है और वहाँ पर उनके पास अथाह संपत्ति है और वो कभी कभार ही ग्वालियर आती है। कुछ ऐसा ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और मंझली बुआ वसुंधरा राजे के साथ भी है। उनकी शादी धौलपुर राजघराने में हुई है और उनके पास भी अकूत संपत्ति है। लेकिन सबसे छोटी बुआ यशोधरा का मामला थोड़ा अलग है। ये तलाकशुदा है और उनके पास पारिवारिक संपत्ति भी कोई खास नहीं है। उनकी शादी लंदन बेस्ड डॉक्टर से हुई थी जिसके तलाक होने के बाद वो वापस मध्य प्रदेश आ गई और राजनीति से जुड़ गई। ऐसे में कहा जाता है कि वही है जो अपने मायके की विरासत में हिस्सेदारी को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर है और वैसे हो भी क्यों ना, बात 150 की नहीं बल्कि हजारों करोड़ की है। तो चलिए दोस्तों, देश के सबसे धनवान राजनेता के बारे में बताता ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, इसे अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।